नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ स्वाति ढल। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कहा अगली सुनवाई तक रोहिंग्या समुदाय को वापस भेजने का फैसला ना करे सरकार। बेटे जय शाह पर लगे आरोपों पर अमित शाह की सफाई। बोले जय ने बोफोर्स की तरह दलाली नहीं खाई। पटाखा बैन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कहा हमें पता है दीपावली पटाखा मुक्त नहीं होने वाली, लोग पटाखे जलाएंगे ही। आरुषि हत्याकांड में सोमवार तक टली तलवार दंपत्ति की रिहाई। जेल नहीं पहुंची, कोर्ट ऑर्डर की कॉपी। पश्चिम बंगाल में फिर अशांत हुआ पहाड़ी क्षेत्र दार्जिलिंग। बिमल गुरुंग समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। सब इंस्पेक्टर समेत दो की मौत। राम रहीम की बेटी हनीप्रीत की कम नहीं हुई मुश्किलें। पंचकुला की विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। और रिकॉर्ड तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स से 250 अंक चढ़कर 32,432 के स्तर पर बंद। निफ्टी 10,000 के पार हुआ बंद। तो ये थी अब तक की सुर्खियां। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। बेटे जय अमित शाह की कंपनी पर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि जब हमने कोई जुर्म नहीं किया तो भला जान से क्यों डरेंगे। निजी चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि उनकी बेटी की कंपनी ने सरकार के साथ कोई कारोबार नहीं किया है, न ही एक रुपया का ठेका सरकार से लिया है और न ही बोफोर्स की तरह कोई दलाली खाई है, तो भ्रष्टाचार का तो सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस के पास इस मामले में कोई सबूत है तो वह उसे अदालत में पेश करे। साथ ही अमित शाह ने एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज़ादी के बाद के 70 सालों में कांग्रेस पर अब तक भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हैं, लेकिन क्या उनके अंदर इतना साहस है कि कभी मानहानि का केस दायर कर सके। दरअसल अमित शाह की बेटी की कंपनी को लेकर खबर छापने वाली वेबसाइट पर उन्होंने 100 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका है। अमित शाह ने कंपनी के टर्नओवर में हो रही बढ़ोतरी पर कहा कि 80 करोड़ का टर्नओवर हुआ ये तो बता रहे हैं, लेकिन कितना मुनाफा हुआ ये कोई नहीं बता रहा। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक वेबसाइट द वायर की ओर से दावा किया गया है कि जय शाह की कंपनी का टर्नओवर अचानक से कई गुना बढ़ गया है। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस जांच की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने भी अमित शाह को निशाने पर ले लिया था। अब जब बात बीजेपी पर हमले की हो ही रही है तो यहाँ आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आज शायराना अंदाज में बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। राहुल ने वैश्विक भूख सूचकांक में भारत के पीछे रहने पर मोदी सरकार पर तंज कसा है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की ओर नीचे खिसकने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। दरअसल इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बच्चों में कुपोषण की उच्च दर से देश में भूख का स्तर इतना गंभीर है और सामाजिक क्षेत्र को इसके प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत है। पिछले वर्ष भारत इस सूचकांक में 97वें स्थान पर था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IFPRI ने कहा है कि 119 देशों में भारत 100वें स्थान पर है और समूचे एशिया में सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान उससे पीछे है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक समाचार पोर्टल पर प्रकाशित इसी खबर का लिंक ट्वीट करते हुए दुष्यंत कुमार का एक शेर लिखा है, जिसमें लिखा है कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। वैसे यहाँ सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि बीजेपी के अपने भी उसे मुश्किल में डाल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा की, जिन्होंने पटना विश्वविद्यालय स्वर्ण शताब्दी समारोह में ना बुलाए जाने पर खुद को बीजेपी का शत्रु तक कह डाला। पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग उनके दमदार कद और लोकप्रिय छवि से घबराते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी एक साफ सुथरी छवि है, मैं एक अच्छा वक्ता हूँ। कुछ नादान लोग हैं जिनको लगता है कि अगर मैं मौजूद रहूंगा तो सारा आकर्षण ले जाऊंगा, यही वजह है कि मुझे बुलाया नहीं जाता। इतना ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा PMO पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मैंने सांसद के तौर पर पटना जाने का सोचा था, यहाँ तक कि 14 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर VC साहब मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए, लेकिन PMO ने मुझे मना कर दिया और कहा कि आप तो बहुत मशहूर हैं, आप मंच पर नहीं बैठेंगे। PMO के इस पत्र के बाद VC साहब ने मुझे न्योता नहीं भेजा। अब मैं अछूत तो हूँ नहीं, मैं धरती पुत्र हूँ और बिहार का हूँ। मंत्री ना बनाए जाने पर भी पटना से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आज खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मंत्री बनना होता तो मैं चुप रहता, न इच्छा है न अपेक्षा है मंत्री बनने की।
उन्होंने कहा कि बीजेपी मेरी पहली और आखिरी पार्टी है। हाँ, यह जरूर है कि जो देश हित में होगा वह जरूर बोलूंगा, चाहे मंत्री बनूं या ना बनूं। बीजेपी पर गुस्सा निकालते निकालते सिन्हा यहाँ तक कह गए कि अगर सच बोलना गद्दारी है तो हाँ मैं गद्दार हूँ, दुनिया चाहे जो कहे। शत्रुघ्न सिन्हा का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने यशवंत सिन्हा का समर्थन करते हुए कहा, हमारे वित्त मंत्री जी ने ऐसी बात कही कि यशवंत सिन्हा नौकरी मांग रहे हैं। क्या उनको पता नहीं है कि यशवंत सिन्हा 7 बार देश का बजट पेश कर चुके हैं? वह इतने ज्ञानी हैं कि अभी कुछ लोगों को कई जन्म लेना पड़ेगा उनकी तरह बनने के लिए। अब जब बीजेपी पर इतने ताबड़तोड़ वार हो तो भला वह कैसे चुप बैठ सकती है। गुजरात में गौरव यात्रा निकाल रहे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गुजरात की जनता को गुमराह कर रहे हैं। गौरव यात्रा में हिस्सा लेते हुए सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने लोगों से झूठ बोला, राहुल गुजरात में आकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने कहा कि ऐसा बोला जाता है कि राहुल गांधी जहां पर प्रचार करते हैं वहां कांग्रेस चुनाव हार जाती है, यानी कि साफ है कि गुजरात में भी कांग्रेस की हार पक्की है। कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए योगी ने कहा कि ये लोग इशरत जहां के सपोर्टर हैं और विनाश के एजेंट हैं। कांग्रेस ने गांधी जी का अपमान किया है, हमारा लक्ष्य है गुजरात मुक्त कांग्रेस करना है। वहीं पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए आदित्यनाथ योगी ने कहा कि हमने मोदी जी के नेतृत्व में कच्छ और भुज का विकास होते देखा है। गुजरात में जब बाढ़ आई तब पीएम मोदी और अमित शाह यहाँ आए थे, राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी ने अमेठी में पिछले 14 वर्ष में कलेक्टर ऑफिस तक नहीं बनवाया। कांग्रेस के राज में यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 14,000 रुपए थी, लेकिन अब बढ़कर 1,00,000 रुपए पहुँच गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात अब दीपावली की। पटाखा बैन के फैसले पर छिड़े संग्राम के बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस बार दिल्ली NCR में दिवाली पर पटाखों की बिक्री नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कारोबारियों को राहत ना देते हुए उनकी याचिका को ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें पता है कि दीपावली पटाखा मुक्त नहीं होने वाली, लोग पटाखे जलाएंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर हम अपने आदेश में बदलाव करते हैं तो यह आदेश की आत्मा के खिलाफ होगा। साथ ही कोर्ट ने उन तमाम लोगों को जवाब भी दिया जिन्होंने कोर्ट के इस फैसले को हिंदुओं को टारगेट करने जैसा बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पीड़ा है कि कुछ लोग इसे सांप्रदायिक और राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस सिकरी ने कहा कि सबको पता है कि मैं कितना धार्मिक हूँ। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में 31 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है, जबकि 1 नवंबर 2017 से पटाखों की बिक्री दोबारा शुरू हो जाएगी। दरअसल कोर्ट यह देखना चाहता है कि इससे प्रदूषण पर कितना असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ पटाखा कारोबारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को दिए अपने आदेश में उनके लाइसेंस बहाल कर दिए थे, जिसके बाद दीपावली के मद्देनजर उन्होंने पटाखे खरीद लिए थे। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग ऑन करें tblive.tv। नमस्कार।